हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि डेक क्या है और पाइथन में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे. ओके, डेक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. डेक क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस वे में और यू कैन सी एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन पे एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है, एक के बाद एक एलिमेंट्स को स्टोर किया जाता है. ओके, इन विच एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स कैन हैपन फ्रॉम एनी एंड. तो ये क्या है? एक टाइप से क्यू है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आप एडिशन मतलब आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो किसी भी एंड से. ओके, फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी आप कहीं से भी उस एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो. अच्छा, क्यू के केस में क्या होता है? आप डेटा और एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम द रियर एंड. आप क्या करते हो? रियर एंड से डेटा को इंसर्ट करते हो क्यू के केस में, और फ्रंट एंड से आप डिलीट करते हो या रिमूव करते हो. बट डेक के केस में क्या है? आप किसी भी एंड से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो. ओके, दैट इज हेड और फ्रंट. तो ये क्या कह रहा है? आप कहीं भी हेड या फ्रंट कहीं भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या फिर रियर या टेल से आप रिमूव कर सकते हो. ओके, बट नॉट फ्रॉम द मिडल. बट मिडल से आप ना तो इंसर्शन करोगे ना ही आप डिलीशन करोगे. मिडल में आप ना ही डेटा को इंसर्ट कर सकते हो ना ही आप डेटा को डिलीट कर सकते हो. राइट, तो यहाँ पे देखो पिक्चर में आप देख सकते हो इंसर्शन एंड डिलीशन आप फ्रंट से भी कर सकते हो एंड इंसर्शन एंड डिलीशन आप रियर एंड से भी कर सकते हो. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डबल एंडेड क्यू. इसलिए इसको डबल एंडेड क्यू भी कहा जाता है बिकॉज इट परमिट्स इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन फ्रॉम एनी एंड. इसको डबल एंडेड क्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपको परमिशन देती है कि आप एलिमेंट्स को कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हो. फ्रंट एंड से भी आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और आप रियर एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो डेटा को, डिलीट भी कर सकते हो. ओके, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेक. ओके, डेक हैव टू टाइप्स के आपके पास डेक है. इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक. ओके, सो फर्स्ट वी हैव इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक. An input restricted deck is a deck which allows insertion at only one end. Input restricted deck में क्या है? आप सिर्फ एक end से data को insert कर सकते हो. But allows deletion at both ends of the list. लेकिन आप दोनों end से front and rear end दोनों end से delete कर सकते हो data को. But insertion आप एक ही end से करोगे. Right? और वो insertion आप कहाँ से करते हो? Add to रियर एंड ओनली. मीन्स आप इंसर्शन सिर्फ रियर एंड से करोगे, बट डिलीशन आप फ्रंट से भी कर सकते हो और रियर से भी कर सकते हो. तो ये कौन से टाइप का डेक है? इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक, जहाँ पे इनपुट को रेस्ट्रिक्ट किया गया है. इनपुट को सिर्फ एक ही एंड से आप मतलब प्रोवाइड कर सकते हो इनपुट, और वो कौन सा एंड है? आपका रियर एंड है. एड टू रियर एंड ओनली. राइट, ओके. नेक्स्ट वी हैव आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक. एन आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक इज द क्यू विच अलाउज डिलीशन एट ओनली वन एंड ऑफ द लिस्ट बट अलाउज इंसर्शन एट बोथ एंड ऑफ द लिस्ट. तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या है? आप इंसर्शन तो दोनों एंड से कर सकते हो. राइट, बट डिलीशन आप सिर्फ फ्रंट एंड से कर सकते हो. ओके, राइट, रिमूव फ्रॉम फ्रंट एंड ओनली. राइट, नाउ आप कौन कौन से ऑपरेशन आप डेक पे परफॉर्म कर सकते हो? देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द डेक. इंसर्शन एट फ्रंट, आप फ्रंट से इंसर्ट कर सकते हो डेटा को, इंसर्ट द एलिमेंट एट द बिगनिंग. ओके, इंसर्शन एट रेयर, आप रेयर एंड से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हो क्योंकि इसमें क्या है? डबल एंडेड क्यू है ये. ओके, आप फ्रंट से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, आप रेयर एंड से भी कर सकते हो, आप फ्रंट से डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, आप रेयर एंड से भी डिलीट कर सकते हो. ओके, डिलीशन एट द फ्रंट, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द डेक. ठीक है, जब आप डिलीशन कर सकते हो फ्रंट एलिमेंट को, डिलीट कर सकते हो. डिलीशन एट द रियर, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द डेक. राइट, तो यहाँ पे आप ये जो ऑपरेशंस दिए गए हैं ये आप डेक के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑपरेशन कुछ और भी है. फ्रंट, गेट द फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द डेक. अगर आपको डेक का फ्रंट एलिमेंट चाहिए तो आप फ्रंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. बैक, गेट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द डेक. राइट, जो आपका डेक है मतलब आपका डबल एंडेड क्यू है उसका लास्ट एलिमेंट आप बैक फंक्शन से आपको मिल सकता है. एम्प्टी फंक्शन का यूज़ किया जाता है. चेक वेदर द डेक इज एम्प्टी और नॉट. ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आपका जो डेक है, जो आपकी क्यू है, डबल एंडेड क्यू है, वो एम्प्टी तो नहीं है. ठीक है, साइज डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेक. तो साइज फंक्शन से आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेक. अब इसको क्या करेंगे? हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग ले लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
डेक यूजिंग लिस्ट. ओके, लिस्ट से, लिस्ट का यूज करके हम डेक को इम्प्लीमेंट करेंगे. राइट राइट, तो सबसे पहले हम अपना मेन प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग में ले लेती हूँ. मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है, मेन प्रोग्राम. ओके, मेन प्रोग्राम में फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो क्या करना है, हमें यहाँ पे एक एम्प्टी डेक बनानी है. राइट, और उसके ऊपर हमें क्या करने है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डी ई क्यू यू ई. तो ये मैंने बना ली एक एम्प्टी डेक. राइट, ये मैंने एक एम्प्टी डेक यहाँ पे क्रिएट कर ली है. ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना वाइल लूप चलाएंगे यहाँ पर. वाइल लूप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे कि कितना लूप चलना है. आप फोर लूप कब लेते हो, जब आपको पता होता है कि आपकी लूप की लिमिट कहाँ तक है. राइट, वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी. ओके, तो मैंने दे दिया यहाँ पे वाइल ट्रू. राइट, और इसके अंदर अब हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेक ऑपरेशंस. ओके, डेक ऑपरेशंस हमने लिख दिए हैं. अब यहाँ पे कौन कौन से आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने डबल एंडेड क्यू पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. ये क्या कर रहे हैं, हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, मेन्यू ड्रिवन हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं. तो मैंने सबसे पहले ले लिया इंसर्ट आइटम एट फ्रंट. मुझे अपने डबल एंडेड क्यू के फ्रंट पे आइटम इंसर्ट करना है. ठीक है, इंसर्ट आइटम एट फ्रंट. ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा, सेकंड मैंने ऑप्शन दे दिया अपने मेन्यू में इंसर्ट आइटम एट रियर. ओके, रियर एंड पे अगर आपको आइटम इंसर्ट कराना है. डबल एंडेड क्यू में क्या है, डबल एंडेड क्यू में आप फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हो आइटम को, और आप रियर एंड से भी इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट दिया अपना ऑप्शन थ्री. थ्री ऑप्शन में मैंने कर दिया डिलीट, डिलीट आइटम फ्रॉम फ्रंट. ठीक है, फ्रंट से आइटम डिलीट कराने के लिए डिलीट आइटम फ्रॉम फ्रंट. अब नेक्स्ट हमने कर लिया अपना फोर्थ ऑप्शन डिलीट आइटम फ्रॉम रियर एंड. ओके, रियर, फाइन. नेक्स्ट नेक्स्ट हम करेंगे मेन्यू में ऑप्शन फाइव गेट आइटम फ्रॉम फ्रंट. अगर आप फ्रंट का आइटम शो करना चाहते हो, ठीक है, विदाउट डिलीशन, उसके लिए गेट आइटम फ्रॉम फ्रंट, तो आपको ये फ्रंट का आइटम शो कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंट, आपका आएगा यहाँ पर ऑप्शन सिक्स. ठीक है, गेट आइटम फ्रॉम रियर एंड. ठीक है, रियर, देन नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे इसके अंदर ऑप्शन अपना सेवन. सेवन सेवन में हम देंगे डिस्प्ले द डेक, डेक को डिस्प्ले करा दो. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप दे दो इसके अंदर एग्जिट. नेक्स्ट ऑप्शन आपका हो गया एग्जिट, एग्जिट, फाइन. अब मैंने क्या किया है, अपने लूप के अंदर ये चॉइसेस दिए. राइट, अब यूज़र को ये चॉइस एंटर करनी है, तो एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से चॉइस एंटर कराएंगे. तो मैंने यहाँ पे फ्लेट वेरिएबल लिया. राइट, इंट फंक्शन का यूज़ किया, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं यूज़र से वैल्यू एंटर कराऊंगी कि उसकी चॉइस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंटर योर चॉइस, और चॉइस कहाँ से कहाँ तक आपको लेनी है, 1 to 8. ओके, 1 to 8 आपको चॉइस लेनी है.
राइट। अब देखो जो भी इनपुट होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्म में होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इन फंक्शन दे दिया है। और जो भी आप यूजर इनपुट करेगा वो कहाँ चला जाएगा, करेक्टर सी एच में, मतलब वो वेरिएबल सी एच में चला जाएगा। ठीक है, मेरी जो भी चॉइस होगी या यूजर की जो भी चॉइस होगी वो सी एच में चली जाएगी। ठीक है, अब चॉइस हमारे पास आ गई, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन सेट करेंगे कि अगर मेरी चॉइस क्या है, वन है, राइट। अगर मेरी चॉइस वन है तो वन में मैंने क्या किया है, इंसर्ट आइटम एट द फ्रंट। ठीक है, इंसर्ट आइटम एट द फ्रंट, तो मुझे आइटम इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यूज़र से आइटम भी इंसर्ट कराऊँगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंट आइटम, इंट इनपुट, ओके, एंटर आइटम टू इंसर्ट एट फ्रंट, ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यूज़र से ये इनपुट करा रही हूँ कि आइटम इंसर्ट करो जो भी आपको फ्रंट में चाहिए, अपने डेक के फ्रंट में। ठीक है, आइटम आ गया। अब आइटम आ गया तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास आइटम आ गया है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट फ्रंट। अभी इंसर्ट फ्रंट क्या है, ये एक फंक्शन है जो मैं अभी क्रिएट करूँगी। ठीक है, ओके, ये फंक्शन मैं क्रिएट करूँगी और इसमें मैं पास करूँगी अपनी एम्प्टी डेक, मेरी एम्प्टी डेक। ठीक है, और वो आइटम जो मुझे इस डेक के अंदर इंसर्ट कराना है, फाइन, ओके। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट फ्रंट नेम का फंक्शन तो ले लिया जिसको मैं कॉल कर रही हूँ, बट ये फंक्शन तो बनाया ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमें ये फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन बनाएंगे तभी ये फंक्शन कॉल होगा, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम नीचे करेंगे, ओके, और ये फंक्शन बनाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे मैं करूँगी डेफ, ओके, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, ओके। और इसमें मेरे पास कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे, मेरे पास आएगी क्यू, ओके, और मेरे पास आएगा आइटम जो मैं नीचे से पास कर रही हूँ, फाइन, इंसर्ट फ्रंट के अंदर। और मैंने सिंपली क्या किया, क्यू डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट यहाँ पे कहाँ पे करना है, क्यू में कहाँ इंसर्ट करना है, आपको जीरो इंडेक्स पे करना है, ओके, क्योंकि फ्रंट में करना है। फ्रंट कहाँ पे होगा, फ्रंट जीरो इंडेक्स है आपका, ठीक है, और आपको क्या इंसर्ट करना है, जीरो इंडेक्स पे आइटम इंसर्ट करना है, ओके। और आप इसको प्रिंट भी करा के देख सकते हो, तो प्रिंट करा देंगे क्यू, राइट। इसको समझो, इसको समझने के लिए फिर से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट फ्रंट फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और इंसर्ट फ्रंट फंक्शन में मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है, एक मेरी एम्प्टी क्यू है, एक मेरा आइटम है, वो आइटम है जो यूज़र ने इनपुट किया है। ठीक है, अब जब मैंने इसको कॉल किया तो मेरा जो कंट्रोल था वो कहाँ चला गया, इस फंक्शन के पास चला गया जो मैंने बनाया हुआ इंसर्ट फ्रंट। तो जो मेरी एम्प्टी क्यू थी वो कहाँ चली जाएगी, क्यू के अंदर चली जाएगी, ओके। आप नेम चेंज कर सकते हो या सेम भी रख सकते हो, और आइटम सेम, देखो मैंने यहाँ पे एक नेम चेंज कर दिया, एक मेरा सेम है, आइटम एज इट इज़ चला जाएगा आइटम के अंदर जो यूज़र ने इनपुट कराया है, और डेक जो एम्प्टी क्यू है, राइट, वो कहाँ चली जाएगी, मेरी क्यू के अंदर, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, क्यू डॉट इंसर्ट फंक्शन के अंदर मैंने जीरो इंडेक्स पर आइटम को इनपुट करा दिया, इंसर्ट करा दिया, फाइन। और उसके बाद मैंने इसको प्रिंट भी करा दिया, सिंपल, इंसर्ट हो गया आपका, ओके। अब देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ये मेरा फंक्शन था इंसर्ट फ्रंट। अब इसके बाद मैं एक लाइन और ऐड कर देती हूँ, यूज़र से इनपुट करा देती हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया इनपुट, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। ये मैंने इसलिए किया जिससे आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए यूज़र कंटिन्यू प्रेस करे, राइट, सॉरी एंटर की को प्रेस करे, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ओके। ये हमारी फर्स्ट जो चॉइस थी वो आ गई है, चॉइस वन हमने कर लिया, इंसर्ट फ्रंट फंक्शन को कॉल किया और ऊपर आपका इंसर्ट फ्रंट फंक्शन क्रिएट भी कर लिया, ओके, फाइन। अब देखो अगर अब मेरी चॉइस क्या है, अगर अब मेरी चॉइस क्या है, एलिफ, एलिफ मेरी चॉइस क्या है, टू है, ओके, तो टू पे क्या है, इंसर्ट आइटम एट द रियर। तो मैं कहाँ पे आइटम को इंसर्ट करना चाहती हूँ, रियर एंड पे करना चाहती हूँ इंसर्ट, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मैं अगेन सेम यही सेम ले लेंगे हम पूरा, बस थोड़ा सा फंक्शन का फ़र्क आएगा। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल वी। तो इसमें देखो एक चीज़ तो सेम है, आप यहाँ पे रियर एंड पे इनपुट कराओगे डेटा, वो भी आप यूज़र से लोगे, बस यहाँ पे हम क्या करते हैं फंक्शन का नेम चेंज कर देते हैं। फंक्शन का इंसर्ट फ्रंट की जगह मैंने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट रियर, ठीक है। और देखो इस इंसर्ट रेयर में भी हमें एम टी क्यू भेजनी है और वो आइटम भेजना है जो हमें एम टी क्यू के अंदर इंसर्ट करना है। ओके, एज इट इज़ पूरा फंक्शन आ गया, ठीक है, बस यहाँ पे सिंपल ये फंक्शन का नेम चेंज हुआ है, फाइन। तो अब देखो इंसर्ट रेयर फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, कॉल तो कर लिया लेकिन बनाया तो है नहीं, बनाना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने डेफ और आपने इंसर्ट रेयर फंक्शन यहाँ पे बना लिया और सिंपल इसके अंदर एम टी क्यू आ गई, ठीक है, सॉरी एम टी आपका डेक आ गया, ओके, वैसे डेक भी क्यू ही है, ओके, और वो आइटम आ गया जो आपको इंसर्ट करना है डेक के रेयर एंड पर, फाइन। ये तो आपको पता है, जब आपने फंक्शन वाला चैप्टर किया है तो आपको पता है ये जो डेक है वो कहाँ चला जाएगा, आपके क्यू पैरामीटर में, यहाँ पर एम टी क्यू, और आइटम आइटम में चला जाएगा, ठीक है। तो जो यूज़र से आपने डेटा डलवाया है वो जो आपने यहाँ पे फ्रंट की जगह रेयर कर देते हैं, हमने कॉपी किया था ना रेयर, ठीक है, एंटर आइटम टू इंसर्ट एट रेयर, फाइन, ओके। अब यहाँ पे सिंपल आपको वही सेम चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आइटम, अब आपको क्या करना है एंड ऑफ क्यू में आपको डेटा इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, क्यू डॉट, क्यू क्या है हमारी एम टी डेक है, ठीक है, डबल एंडेड क्यू है, अपेंड कर देंगे। अपेंड क्या करता है, एंड ऑफ जो क्यू है आपका आइटम अपेंड हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ कर लिया, क्यू डॉट अपेंड, और अपेंड के अंदर मैंने आइटम को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और आपको देखना है कहाँ पे है तो आप अपनी प्रिंट करा सकते हो अपने डेक को और यू कैन से डबल एंडेड क्यू को, फाइन। तो आपके दो फंक्शंस यहाँ पे हो गए हैं, ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मैं ये सोचूँ सारे फंक्शंस करने के बाद ही हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। ये कर लिया आपने, दो हमने यहाँ पे ऑप्शंस कर लिए, इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्ट एट फ्रंट एंड इंसर्ट एट रियर, ओके। अब देखेंगे अगर आपकी चॉइस क्या है, अगर आपकी चॉइस है यहाँ पर थ्री, ओके, तो हम इसको करेंगे ऐसे एलिफ, एलिफ अगर आपकी चॉइस क्या है थ्री है, फाइन। तो थ्री पे हमें क्या करना है, डिलीट आइटम फ्रॉम द फ्रंट, आपको फ्रंट से आइटम को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक फंक्शन बनाया, अभी कॉल किया है डिलीट फ्रंट, डिलीट फ्रंट, और अब मेरे को यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई आइटम मैं यूज़र से एंटर नहीं करा रही जो मुझे भेजना पड़े, यहाँ पे सिंपली मुझे जो ऑलरेडी बनी हुई डेक है उसमें से आइटम को डिलीट करना है। तो सिंपली मैं अपनी डेक को ही भेजूँगी, तो मैंने यहाँ पे अपनी डेक को भेज दिया डी ई क्यू यू ई डेक, ठीक है, चाहे वो एम्प्टी है चाहे उसके अंदर डेटा है जो भी है, ठीक है, डिलीट फ्रंट, ओके। और यहाँ पे हम एक ये करवा लेते हैं इनपुट प्रेस, जिससे कि प्रोग्राम आगे जाता रहे, ठीक है, इनपुट वाला ऑप्शन दिस कंट्रोल वी, फाइन। तो आपकी चॉइस थ्री में क्या था, डिलीट आइटम फ्रॉम फ्रंट, तो आपने यहाँ पे डिलीट फ्रंट फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर आपने अपनी डेक को पास किया है, राइट। बट इससे पहले अब हमें क्या करना है, डिलीट फ्रंट फंक्शन बनाना है, फाइन, तभी आप कर सकते हो डिलीट फ्रंट फंक्शन, ओके। तो देखो अब डिलीट फंक्शन से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपकी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है उसके बाद भी अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हो तो क्या आएगा, अंडरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस दे देती हूँ, इज एम्प्टी और उसमें अपनी क्यू को पास करेंगे, ठीक है, कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है, राइट, ओके, यहाँ पे हमने इज एम्प्टी फंक्शन का यूज़ किया है, ओके, डेफ इज एम्प्टी इफ क्यू
अब इस फंक्शन में हम बता रहे हैं कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है, राइट, अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो क्या रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए आपका ट्रू, ट्रू रिटर्न हो जाए, और अगर नहीं है तो सिंपल आपका रिटर्न हो जाए यहाँ पे फॉल्स, राइट। आपने इस एम्प्टी फंक्शन को बना लिया और इस फंक्शन के अंदर आपकी आपकी जो क्यू थी वो चेक हो गई है कि वो एम्प्टी है कि नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना डिलीट फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे कॉल किया था, हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया था, डिलीट फ्रंट। तो अब इसको हम यूज़ इस फंक्शन को हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, डिलीट फ्रंट, फाइन। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपना डिलीट फ्रंट फंक्शन, बनाते हैं हम लोग। हमने किया यहाँ पे डेफ, ओके, डिलीट फ्रंट, ओके, और ये हमारी क्यू, ओके। तो इस क्यू में क्या आएगा, मैंने बताया जो हमने यहाँ से डेक को पास किया है, ठीक है, जो हमारी डेक है वो कहाँ चली जाएगी, जो ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, इस फंक्शन के थ्रू आप कॉल करते टाइम जो भी आप डेटा सेंड कर रहे हो कहाँ चला जाएगा, वो कॉल्ड फंक्शन के पास चला जाएगा, राइट, ओके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं डिलीट फ्रंट, एक बार चेक कर लेंगे, इफ इज एम्प्टी, ओके, इज इफ आपकी क्यू अगर एम्प्टी है, ओके, तो आपका प्रिंट हो जाए, प्रिंट सिंपल हम यही करा देते हैं, क्यू आपका डेक इज एम्प्टी, डेक इज एम्प्टी, मेरे मुंह से बार बार क्यू इसलिए निकल रहा है क्योंकि डेक भी क्या है, डबल एंडेड क्यू है ना, ठीक है। तो आपने प्रिंट करा दिया डेक इज एम्प्टी, और अगर एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको डेटा डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेल आइटम, ओके, और इसके अंदर सिंपली मैंने क्या किया, क्यू डॉट पॉप, राइट, जीरो इंडेक्स पे जो भी आपका डेटा है, क्योंकि हम फ्रंट से कर रहे हैं डिलीट, ओके, तो आपका जो जीरो इंडेक्स पे डेटा है वो डिलीट होगा, वो डिलीट हो जाए। क्यू डॉट पॉप से क्या होगा, आपका जो फ्रंट पे जीरो इंडेक्स पे डेटा है या एलिमेंट है वो डिलीट होकर कहाँ चला जाएगा, डेल अंडरस्कोर आइटम वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको प्रिंट करा दूँगी, मैंने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट डिलीटेड, डिलीटेड आइटम फ्रॉम फ्रंट इज, डिलीटेड आइटम फ्रॉम फ्रंट इज, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डेल आइटम, डेल आइटम, ओके, ये आपका हो गया डिलीटेड आइटम फ्रॉम फ्रंट इज डेल आइटम, फाइन। थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखे, फाइन, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने चॉइस थ्री कर ली थी, ओके, अब हम चॉइस करेंगे फोर, फाइन। तो यहाँ पे हम करेंगे आपका एलिफ, अगर आपकी चॉइस फोर है, ठीक है, हमारी चॉइस फोर क्या है, फोर है डिलीट आइटम फ्रॉम रेयर एंड, ठीक है, आपको रेयर से अपना आइटम डिलीट करना है, फाइन। तो मैं इसके लिए भी कर लेती हूँ सिंपल, अपना एक फंक्शन बना लेती हूँ, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया है, ऑल दो मैंने बनाया नहीं है, मैं पहले कॉल कर लेती हूँ डिलीट, और मैंने यहाँ पे कर दिया रेयर, रेयर आर ई ए आर, ओके, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया अपनी डेक को डी ई क्यू यू ई डेक, फाइन। और सिंपली आप ये कर दो इनपुट वाला लाइन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, फाइन। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिलीट रेयर मैंने फंक्शन को कॉल किया है बट मैंने इसको बनाया नहीं है, तो मैं इसको बनाऊँगी डिलीट रेयर फंक्शन को। तो हम ऊपर जाएंगे, इसको बनाएंगे यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं डेफ, ओके, डिलीट रेयर, फाइन। और इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास,
क्यू पैरामीटर। क्यू पैरामीटर में क्या वैल्यू आएगी आपकी, आपकी डेक आएगी जो आपने यहाँ से पास की है, ठीक है, जब फंक्शन को कॉल किया है। ओके डिलीट रेयर फाइन। ओके अब इसके अंदर हम फिर से चेक कर लेते हैं, देखो अब ये भी बिल्कुल सेम ही है राइट। इसको इसको अगर आप यहाँ से मैं कॉपी करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉपी भी कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने इसको पूरा कम्प्लीटली जैसे फ्रंट से डिलीट किया था वैसे ही आप एंड कंट्रोल सी और यहाँ पे हमने इसको कर दिया कंट्रोल वी राइट। तो इसके अंदर डिलीट रेयर के अंदर भी हमने सबसे पहले ये चेक किया है कि क्या आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो क्यू डेक इज़ एम्प्टी अंडर फ्लो सिचुएशन राइट। ओके और फिर उसके बाद आपने कर दिया यहाँ पे डेल आइटम क्यू डॉ अच्छा पॉप। अब यहाँ पे जीरो इंडेक्स की जगह हमने सिंपली किया है क्यू डॉट पॉप फंक्शन राइट। अब यहाँ पे अब क्या करेगा ये लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ओके तो डिलीटेड आइटम फ्रॉम रेयर आर ई ए आर रेयर इज डेल आइटम ठीक है। सेम हमने कॉपी किया है बस यहाँ पे क्या चेंज किया है फ्रंट के अंदर आपने इंडेक्स जीरो दिया था बट यहाँ पे अभी आपने क्या दिया है आपने सिंपल पॉप फंक्शन दिया है। ओके और आपने यहाँ पे दिया है डिलीटेड आइटम फ्रॉम रेयर एंड इज दिस राइट फाइन। ओके अभी हमारा डिलीट रेयर फंक्शन भी बन गया। ओके चॉइस आपकी फोर कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है फाइन। अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे चॉइस फाइव राइट। यहाँ पे अपने करेंगे एलिफ अगर आपकी चॉइस क्या है ऑप्शन फाइव है तो देखते हैं ऑप्शन फाइव है क्या। ऑप्शन फाइव है गेट आइटम फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट का आइटम डिस्प्ले कराने का ठीक है। फ्रंट का आइटम आपका डिस्प्ले हो जाए फाइन। तो अगर आपकी चॉइस फाइव है तो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गेट फ्रंट, गेट फ्रंट और सिंपल उसके अंदर मैंने अपनी डेक को पास किया। ओके और सिंपल अपनी एक लाइन जो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे कि आगे बढ़ने के लिए आप यूज़र से इनपुट करा रहे हो जो ओके कंट्रोल बी फाइन। अब देखो गेट फ्रंट फंक्शन मैंने अभी बनाया नहीं है तो हम क्या करेंगे गेट फ्रंट फंक्शन को बनाएंगे फाइन। तो अगेन हम क्या करते हैं ऊपर जाते हैं और अपना गेट फ्रंट फंक्शन क्रिएट करेंगे फाइन। यहाँ पे मैंने लिखा डेफ गेट फ्रंट और यहाँ पे मेरा आ गया क्यू पैरामीटर जो किसकी वैल्यू लेगा जो हम डेक वहाँ पे पास कर रहे हैं ठीक है। देखो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं ना गेट फ्रंट फंक्शन को और डेक की वैल्यू को पास कर रहे हैं डेक पूरी डेक अपनी पास कर रहे हैं तो हमारी डेक कहाँ पे चली जाएगी यहाँ चली जाएगी गेट फ्रंट फंक्शन ये जो कॉल्ड फंक्शन है उसके पास। ओके अगेन अब हमें सिंपली फिर से देखना है कि फ्रंट एलिमेंट चेक कराने से पहले हम देख लेंगे क्या हमारी क्यू जो हमारा डेक है वो एम्प्टी तो नहीं है हमारी जो डेक है ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करोगे एम्प्टी क्यू इसके अंदर क्यू को पास कर दिया। ओके अगर ये क्या है अगर ये ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा तो हमारा प्रिंट हो जाएगा डेक इज एम्प्टी या आप सिंपल लिख दो अंडर फ्लो और लिखना चाहो तो लिख सकते हो डेक इज एम्प्टी राइट राइट। और अगर ये सिचुएशन नहीं है डेक एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे आप डिस्प्ले कराओगे किसको अपने डेक के जीरो इंडेक्स वाले आइटम को ठीक है उसका जो सबसे पहला आइटम है फ्रंट पर फाइन। और उसको मैंने प्रिंट करा दिया प्रिंट आइटम एट फ्रंट पोजीशन इज और यहाँ पे हमने लिख दिया आइटम ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो डेक की जीरो इंडेक्स की वैल्यू थी वो हमने आइटम में डाल दी है तो आइटम हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके गेट फ्रंट अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है अब हम करेंगे नेक्स्ट चॉइस को यहाँ पर नेक्स्ट चॉइस आपकी क्या है एलिफ सी एच इक्वल्स टू सिक्स अगर आपकी चॉइस सिक्स है तो सिक्स को देख लेते हैं सिक्स पे क्या है
सिक्स पे है गेट आइटम फ्रॉम रेयर, तो रेयर से आपको आइटम प्रिंट कराना है, ठीक है, जो भी लास्ट आइटम है वो आपको प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गेट रेयर, और उसके अंदर मैंने अपनी डेक को पास कर दिया सिंपल, और मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट करा दिया कि उसको अगर आगे बढ़ना है तो एंटर प्रेस कर दे, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो गेट रेयर फंक्शन मुझे बनाना भी तो पड़ेगा, ओके, गेट फ्रंट की तरह मुझे गेट रेयर फंक्शन भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम चलेगा, फाइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट रेयर फंक्शन को बनाएंगे, ओके, सिंपल। अब यहाँ पे देखो आप गेट रेयर फंक्शन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हम करेंगे देखो डेफ गेट रेयर, गेट रेयर, और इसके अंदर आपने क्या पास किया है, आपने क्यू को पास किया है, ओके, फाइन, ओके। अब हम क्या चेक करेंगे, रेयर आपको एलिमेंट क्या करना है, प्रिंट कराना है, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी क्यू क्या है, एम्प्टी तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इज एम्प्टी क्यू, ठीक है, आपने इसके अंदर क्यू को पास कर दिया, अगर ये एम्प्टी है तो क्या प्रिंट हो जाए, वैसे ट्रू ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं डेक इज, ओहो यहाँ पे डेक इज एम्प्टी, राइट, डेक इज एम्प्टी, फाइन, एल्स, और अगर ये एम्प्टी नहीं है, फाइन, तो आपका क्या जाए, आपका यहाँ पे हमने दे दिया आइटम, ओके, आपको रियर एंड का प्रिंट कराना है ना, तो आपने यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे क्यू लेन ऑफ क्यू, मतलब लेन ऑफ डेक माइनस वन, राइट, ठीक है। तो रियर क्या होता है, रियर क्या होता है, आपका जो रियर एलिमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, वो लेंथ ऑफ जो क्यू होती है, या फिर आप यहाँ पे डेक ले लेंगे, माइनस वन होती है, फाइन, क्यों, क्योंकि आपको पता है, देखो मैं एक एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, जैसे इसको हम कमेंट में ले लेते हैं, जैसे मेरे क्यू में फाइव एलिमेंट्स हैं, तो फाइव एलिमेंट्स में कैसे इनपुट करूँगी, फर्स्ट आएगा जीरो इंडेक्स पे, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे है, राइट, और जो मेरा सबसे लास्ट एलिमेंट है वो मेरा फोर्थ इंडेक्स पे है, लेकिन अगर इनकी लेंथ देखें तो क्या है, फाइव है, वन, यहाँ से इस काउंट करेंगे जीरो इंडेक्स से, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, फाइव, फाइव माइनस वन हमारा आ गया फोर्थ, और फोर्थ पे क्या है, मेरा रियर एलिमेंट है, फाइन, फोर्थ इंडेक्स पे मेरा क्या है, रियर एलिमेंट है, फाइन, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे जो आएगा क्यू का, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्यू जो आपने यहाँ पे लिया है, लेन ऑफ क्यू माइनस लेन ऑफ डेक, या फिर लेन ऑफ क्यू डबल एंडेड क्यू माइनस वन, तो ये मेरा क्या हो गया, रियर एलिमेंट हो गया, फाइन, ओके। तो अब मैं इसको क्या कराऊंगी, मैं इसको सिंपली प्रिंट करा दूंगी, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करा दिया आइटम एट रियर पोजीशन इज, आइटम एज रेयर पोजीशन इज, यहाँ पे हमने इसको दे दिया आइटम, फाइन, ओके। अब हमारा गेट रेयर यहाँ पे फंक्शन बन गया है, फाइन। अब देखो, अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारी चॉइस है सेवन, ठीक है, आपकी चॉइस अब क्या है, सेवन है, तो हम यहाँ पे फिर से करेंगे एलिफ, अगर आपकी चॉइस क्या है, सेवन है, ओके, तो आपका डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो सेवन चॉइस पे मेरा क्या था, सेवन चॉइस पे मैंने डिस्प्ले कराना था, डिस्प्ले द डेक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है, उसमें मैंने अपनी डेक को पास किया है, डी ई क्यू यू ई डेक, राइट, बट यहाँ पे मैंने इसको नहीं बनाया है, तो मैं इसको भी बनाऊंगी, पहले मैं दे देती हूँ इनपुट वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके, अपना डिस्प्ले फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे अपना डिस्प्ले फंक्शन,
डेफ ओके डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपकी क्यू आ गई, फाइन ओके। अब यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे इफ इज एम्प्टी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ पूरा, मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी ओके और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स पार्ट में मेरा क्या आएगा, एल्स, एल्स में मेरा आ जाए फ्रंट आपका कौन से इंडेक्स पे है, जीरो इंडेक्स पे है, ठीक है। रियर आपका क्या होता है, रियर पोजिशन आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ क्यू, क्यू क्या है आपका डेक है, माइनस वन, फाइन। अब यहाँ पे आपने पहले प्रिंट करा दिया आपने डेक का फ्रंट, फ्रंट एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट दिए और मैंने यहाँ पे करा दिया अपना क्यू का फ्रंट, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट जो क्या है मेरा जीरो इंडेक्स है। और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे करके शो भी कर दिया कि ये मेरा क्या है, ये मेरा है फ्रंट, दिस इज माय फ्रंट ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा क्या है फोर, अब देखो ये तो मैंने फ्रंट जो एलिमेंट था वो प्रिंट करा दिया, अब बाकी के एलिमेंट्स के लिए मुझे क्या करना होगा, लूप चलाना पड़ेगा फोर ए इन रेंज। अब मैंने रेंज ले ली यहाँ पे, रेंज रेंज, अब देखो मैंने जीरो इंडेक्स का तो प्रिंट करा दिया, वन से लेंगे हम, वन इंडेक्स वैल्यू से लेंगे और रेयर लेंगे। अब रेयर जो है वो यहाँ पे मेरा रेयर एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि देखो रेंज में क्या होता है जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो माइनस वन होता है, तो रेयर एलिमेंट से पहले वाला प्रिंट हो जाएगा बट रेयर प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमने कॉलन ही लगाया, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना सिंपली क्या कराएंगे, प्रिंट, प्रिंट आपका डेक का एलिमेंट प्रिंट हो जाए ए। तो सबसे पहले तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट से फ्रंट वाला प्रिंट करा दिया, अब जो बाकी के हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन रेयर अभी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रेंज फंक्शन में क्या होता है एंड माइनस वन होता है ना, तो यहाँ पे रेयर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करा देंगे अपने रेयर पार्ट को, ठीक है। तो हम रेयर को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट क्यू, क्यू का रेयर, राइट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं फ्रंट क्या है जीरो इंडेक्स पे है और रेयर क्या है लेंथ ऑफ डेक माइनस वन, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू, क्यू क्या है, क्यू के अंदर डेक ही है ना, ठीक है ओके। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे, शो करा देते हैं इसको रेयर से, फाइन, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और देखेंगे अब हमारी चॉइस कौन कौन सी बची है। हमारे पास बचा है सिर्फ एट ऑप्शन, दैट इज एग्जिट, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिफ, एलिफ अगर आपकी चॉइस क्या है, अगर आपकी चॉइस है एट, राइट, तो सिंपली आपका प्रोग्राम हो जाए ब्रेक, ब्रेक हो जाए। और मान लो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं है तो आपका एल्स पार्ट आएगा, एल्स पार्ट में आप क्या दे दोगे, आप प्रिंट करा दोगे यहाँ पर, क्या प्रिंट कराओगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, राइट। और यहाँ पे अगेन हम दे देंगे प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है, ये वाला, ये हमने दे दिया कंट्रोल बी, ओहो ये मैंने ऊपर कॉपी किया था ना तो वही आ गया पूरा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे दे देंगे कंट्रोल वी, फाइन। तो अब देखो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन चुका है, अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट ओके। तो एग्जीक्यूट करने से पहले इसको करेंगे सेव, तो सेव कर लिया मैंने यहाँ पे इसको अपने उसके अंदर, मैंने इसको लिख दिया डेक वन ओके, सेव। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम, अब हम क्या करेंगे इसको रन करेंगे F5। आपका प्रोग्राम रन हो गया है, सबसे पहले आपकी चॉइस क्या है, इंसर्ट आइटम एट द फ्रंट, तो मैं वही लूँगी, मैं फ्रंट में आइटम अपना इंसर्ट करूँगी, मैंने 10 इंसर्ट किया, मुझसे पूछा कंटिन्यू, यस एंटर प्रेस कर देंगे, फिर से मैंने 1 किया, अब इंसर्ट आइटम एट फ्रंट, मैंने 20 कर दिया, राइट। तो देखो मेरी क्यू जो हमारा डेक है उसमें दो एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है, आपका 20 एंड 10,
20 एंड 10 इंसर्ट हो चुका है, फाइन ओके। अब मैंने फिर से कंटिन्यू कर, सॉरी फिर से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो मैं करूँगी इंसर्ट आइटम एट रेयर, ओके। अब रेयर से मैं आइटम को इंसर्ट करूँगी, तो मैंने चॉइस दे दी 2, फाइन चॉइस दे दी 2। अब देखो यहाँ पे रेयर में मैंने कर दिया 30, राइट। तो अब देखो इसके अंदर 20, 10 एंड 30, 30 आ गया है। फिर से मैंने कंटिन्यू कर दिया, फिर से मैंने चॉइस दे दी 2। अब मैं एंड से फिर से प्रिंट करूँगी, मैंने 40 और रेयर एंड से प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब देखो 20, 10, 30, 40 आपका आ गया। पहले आप फ्रंट से करे थे, राइट। पहले आपने फ्रंट से 10 डाला, फिर आपने फ्रंट से 20 डाला, फिर आपने रेयर से 30 डाला और फिर आपने रेयर से 40 डाला, ठीक है। दो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम कंटिन्यू के लिए एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं थर्ड करूँगी, डिलीट आइटम फ्रॉम द फ्रंट। तो मेरा फ्रंट का 20 है ना, मैं इसको डिलीट करूँगी। मैंने डाला यहाँ पे चॉइस 3, राइट। तो देखो मेरा 20 यहाँ से डिलीट हो गया, 20 हो गया ना। डिलीटेड आइटम फ्रॉम द फ्रंट इज 20, ओके। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, हमने इसको फिर से एंटर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डिलीट आइटम फ्रॉम द रेयर, राइट। अब मैं रेयर से आइटम को डिलीट करूँगी, रेयर से आइटम डिलीट करने के लिए मैंने चॉइस डाली अपनी 4। तो देखो मेरा 40 आ गया। अगर ऊपर क्यू करके देखूँ मैं, यहाँ पे जो मेरी क्यू थी, तो रेयर पे क्या था, मेरा 40 था, फ्रंट पे मेरा 20 था। 20 डिलीट हो गया और मेरा 40 डिलीट हो गया। अब मेरे पास 10 और 30 बचा है सिर्फ क्यू के अंदर, राइट। तो एंटर फिर से कर दिया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, एक आइटम और डाल देती हूँ, रेयर एंड से डाल देती हूँ। मैंने 2 कर दिया यहाँ पे और मैंने एक आइटम डाल दिया 50, ठीक है। तो मेरे अब 3 आइटम्स हो गए, 30, 10, 30 एंड 50। तो एक आइटम और डाल देती हूँ मैं रेयर एंड से, मैंने यहाँ पे डाल दिया 60, राइट। कंटिन्यू, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, ये 4 ऑप्शंस कर चुके हैं, इंसर्ट आइटम एट फ्रंट, इंसर्ट आइटम एट रेयर, डिलीट आइटम फ्रॉम फ्रंट, डिलीट आइटम फ्रॉम रेयर। अब मैं चाहती हूँ गेट आइटम फ्रॉम फ्रंट, मेरा फ्रंट का आइटम आ जाए। तो अभी फ्रंट पे मेरे पास क्या है, मेरे पास 10 है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऑप्शन मेरा 5। तो देखो आ गया आइटम एट फ्रंट पोजिशन इज 10, ठीक है। जो 10 था ये फ्रंट पे था, वो आ गया। अब कंटिन्यू, मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, मैंने ऑप्शन 5 भी कर लिया, मैं ऑप्शन 6 करूँगी। अब मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे एंड वाला एलिमेंट चाहिए, ठीक है। एंड वाला एलिमेंट देख लेते हैं कौन सा है, हमारा 60 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 डाला और ये मेरा आ गया 60, एंड ऑफ एलिमेंट, फाइन आपका आ गया 60 आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑप्शन अपना 7, सेवन ऑप्शन क्या है, मेरा डिस्प्ले कराना है मेरी डेक को। तो ये देखो मेरी डेक आ गई आपका, इसका 10 फ्रंट है, 30, 50 एंड 60 आपका इसका रियर है। कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू कर दिया। अब एंड मेरा क्या है, 8 है, तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगी। मान लो मैं 8 नहीं डालती, 9 डाल देती हूँ मान लो, तो मेरा क्या आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस आ जाएगा। देखो इनवैलिड चॉइस, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। इनवैलिड चॉइस आ गया जो आपने दिया था। अब मैंने फिर से कंटिन्यू किया और इस बार मैंने क्या कर दिया, एग्जिट, तो मैंने 8 कर दिया, राइट। तो यहाँ से मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो गया है, ओके ओके एवरीवन। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।